नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। तो क्या होने वाला है सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल टेलीपीप्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो बात कर ली जाए सीरियल मंगल लक्ष्मी की। क्या है ना कि सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में दिन पर दिन जिया और कार्तिक की लव स्टोरी ज्यादा ही आगे बढ़ रही है, जिससे बेचारी लक्ष्मी की जिंदगी परेशानियों में घिर रही है। और ऐसे में गायत्री भी कम नहीं है, बेचारी के जले पर नमक छिड़क छिड़क के उसको और जला रही है। लेकिन कब तक, जी हाँ, सवाल ये उठता है कि कब तक लक्ष्मी के साथ ऐसा होता रहेगा, कब उठाएगी लक्ष्मी अपने लिए आवाज। चलिए, वो वक्त आ चुका है जब लक्ष्मी को एहसास हो चुका है कि अब खामोशी से काम नहीं चलने वाला है, अपने हक के लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा। और ऐसे में अब लक्ष्मी ने जब देख लिया है कि कार्तिक और जिया एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इंटीमेट हो रहे हैं, और उसके बाद जिया लक्ष्मी को कार्तिक से दूर कर रही है, उससे मिलने जुलने की जो है कोशिश में उनके बीच में रुकावट बन रही है, तो ऐसे में अब लक्ष्मी को आ गया है गुस्सा, और गुस्से में लक्ष्मी ने लताड़ लगाई है जिया को। जी हाँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिया, और ऐसे में अब लक्ष्मी पहुंच गई है जिया के पास और दे रही है लक्ष्मी कार्तिक को धमकी, कार्तिक के लिए जिया को धमकी कि अगर आज के बाद मेरे पति के ज्यादा करीब आने की कोशिश की या फिर मेरे और मेरे कार्तिक जी के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरे कार्तिक जी से दूर रहो और बस काम से ही मतलब रखो आप। और ये लक्ष्मी का जो है माँ काली का रूप देख कर गायत्री जी को बहुत जोर का झटका लगा है। क्या करेंगी गायत्री जी इसके लिए, देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में।